वहीं अखिल भारतीय राज्य प्रशासनिक सेवा महासंघ का 16वां कन्वेंशन आज जयपुर स्थित आरएस क्लब में शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर कल्ला ने कहा कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और जनप्रतिनिधि के बीच तालमेल जरूरी है। अगर किसी काम के लिए कहा जाए तो कभी ये ना बोलें कि काम नहीं होगा, हमेशा यही कहें कि काम करने की कोशिश करेंगे, इससे आपसी रिश्ते खराब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में योजनाबद्ध तरीके से विकास होना जरूरी है, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कल्ला ने कहा कि पोस्टिंग को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सेवा के अधिकारी की पोस्टिंग भी अलग अलग राज्यों में होनी चाहिए, इससे उन्हें अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। वहीं कल्ला ने मीडिया से बातचीत में तबादला नीति को लेकर कहा कि नीति कैबिनेट में बनती है, इसलिए जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। आरएस कन्वेंशन का समापन शाम को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बराबर याद है कि जब मैं सीधे एमएलए बना तो मैंने महसूस किया कि जो आईएएस अफसर अनेक राज्यों से आते हैं, हमारा ऑल इंडिया काडर है, तो उनको शुरू शुरू में स्थानीय भाषा का, स्थानीय क्षेत्र का और स्थानीय परिस्थितियों का भान नहीं होता है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो सन ऑफ द सॉयल है, वो उनको जिस तरह से ब्रीफिंग देते हैं, उनके अनुभव का लाभ उनको मिलता है, वो मैं समझता हूं कि प्रशासन की बैकबोन है और जिसके कारण वे लोग प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। मैंने देखा है अकाल, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं जब आती है तो जनता की समस्याओं को आप लोग जिस तरीके से अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचकर उनकी जो मदद करते हैं वो भी काबिल तारीफ है। इसके साथ साथ कहीं कोई किसी बात को लेकर भीड़ इकट्ठी हो गई, मॉब मेंटेलिटी हो गई, उसको कंट्रोल करने में भी आपकी प्रभावी भूमिका रहती है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं स्वयं 81 में डिप्टी मिनिस्टर बन गया, फिर 82 में स्टेट मिनिस्टर बना और उसके बाद चीफ विप, 87 के बाद निरंतर जब जब भी सरकारें रही और मैं जीता, कैबिनेट स्टेटस मिला रहा, मुझे खुद को 24 साल का प्रशासनिक अनुभव है। लेकिन मैंने इसमें देखा है कि प्रशासनिक सेवाओं के लोग जिस तरीके से आपस में काम करते हैं, मेहनत करते हैं और जो फील लेते हैं जनता की समस्याओं को, संवेदनशील रहकर, ऐसा और जगह कम दिखाई देता है।